मैं ये कह रहा हूं कि आप क्या ये मानते हो कि अल्लाह डिफेक्टिव आपको बना के भेजा है और आप यहां आके उसको परफेक्ट कर रहे हो नुन्नी कटवा के अपनी? हाँ साहिल भाई, डिफेक्टिव तो कुछ देर पहले जो मुन्ना भाई ने बताया, जैसे जो भी रात को आवाज होता है तो गूंगा बच्चा पैदा होता है, या उसमें देख लेते तो बहरा बच्चा पैदा, और अरे अल्लाह वो ने छोड़ दो यार, क्या अल्लाह ने आपको डिफेक्टिव बना के भेजा था कि आपको नुन्नी कटवानी पड़ रही है? क्योंकि ये आपने कहा ना कि अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, तो वो तो प्रॉफिट का मालूम था, क्योंकि उनका तो अल्लाह के साथ मालूम रहता है, तो उसी हिसाब से फायदा देखा, इसलिए तो काटा है ना भाई साहिल भाई। देखो तो वही ना, तो एक डिफेक्टिव चीज दे के भेजा ना अल्लाह ने, इसकी वजह से तुम उस उससे पे फायदा निकाल के उसको कटवा रहे हो नुन्नी को अपनी। नहीं साहिल भाई, उसका फायदा है, वो साइंटिफिकली प्रूफ हुआ है, अभी काटने वाला फायदा है। अरे मैं भी बोल रहा हूँ कि ठीक है, अगर मान लो कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ है तो अल्लाह तो डिफेक्टिव बना के भेजा ना उसको करेक्ट करने के लिए, तुम यहाँ पे जो है उसको अपनी नुन्नी कटवा ओ नहीं साहिल भाई, देखो हाँ, आप हंसो ठीक है, लेकिन हम नाखून भी काटते हैं, बाल भी काटते हैं, और हमको जरूरत के हिसाब से वो चीज करना पड़ता है। क्यों? अगर अल्लाह ने क्योंकि परफेक्ट बनाया है तो क्यों क्यों काटते हो? क्यों जरूरत पड़ रही है काटने की? माँ के पेट में रहने के टाइम जिस चीज की जरूरत, वो चीज वहां रहना चाहिए, बाहर आने के बाद जो चीज काटना चाहिए वो भी प्रॉफिट ने अपने हिसाब से किया ना, वो तो काट तो बेनिफिट है क्यों इसलिए कटवाया। क्यों क्यों अल्लाह अल्लाह परफेक्ट क्यों नहीं बना के भेजा? हालांकि अल्लाह ये कहता है, ये लो सूरह नंबर 95, लहद कल कलो हमने निसान, इंसान को बेहतरीन साखत पर पैदा किया, कि हमने इंसान को बहुत अच्छी सूरत में पैदा किया है, हाँ हमने बनाया आदमी खूब से अंदाजे पर। जी तो यहां पे तो अल्लाह कह रहा है कि उसने बेहतरीन बनाया इंसान को, ठीक है, और यहाँ पे नीचे आने के बाद उसका कुछ पार्ट बेहतरीन नहीं है, उसको बीमारी भी आ रही है, और वो जो तो नुन्नी आपकी है उसको तो बचपन में ही उड़ा दी जा रही है, तो ऐसा क्यों? और तो प्रॉफिट ने बहुत सारे चीज किया साहिल भाई, अभी इस बारे में तो ना आप अंदाजा लगा सकते ना तो मैं ये लगा मान सकता लो ना, हूँ। कम से कम तो ये मान लो ना कि अल्लाह ने परफेक्ट नहीं बना के भेजा आपको। अल्लाह ने तो परफेक्ट, लेकिन कुछ चीज माँ के पेट के बाहर आने के बाद भी करना जरूरी था ना, नाखून काटना, बाल काटना, या तो अरे कुछ रख अल्लाह देना ने अपन। परफेक्ट नहीं बना के भेजा, ये मानते हो क्या नहीं मानते हो? परफेक्ट तो भेजा है डेफिनेटली, तो परफेक्ट भेजा है तो क्यों कटवा रहे हो नुन्नी? नुन्नी तो उनसे पहले के प्रॉफिट का भी हुआ होते थे, यहूदी वगैरह भी करते हैं ना ऐसा होते। लेकिन अल्लाह तुम्हारा अल्लाह कह रहा है ना कि परफेक्ट बना के भेजा है, वो दूसरे करते थे नहीं करते थे उसका छोड़ दो। जस्टिस फॉर नहीं नुन्नी। नुन्नी काटने का फायदा है, जो भी प्रॉफिट ने सोच समझ के काटा है, और कोई भी चीज देखो बांध के रख दिया तो छोटा हो जाता है, काट के रखा हवा मिलता है उसको अच्छी तरह, वो सही रहता है, तकड़ा हो जाता है, हाँ और तो उसका तगड़ा हो बेनिफिट है। जाता बिल्कुल, आपको मालूम है दुनिया के हर किसी को पसंद है आपका वाला, किसको नहीं पसंद आप बताओ। बाप रे बाप, तगड़ा हो जाता है, ये भारी था यार, हो ये चुका है भाई, खुदा की साइंटिस्ट कसम ये प्रूफ हो चुका है। साइंटिस्ट बनेगा ये। नहीं, आपका एग्जाम्पल दे दो कि आपसे कोई नाखुश हो सकता है। अरे बाप रे अरे तू बाप, कहाँ का टॉपिक कहाँ लेके जा रहा है रे, टपा तगड़ा हो जाता। टप वाली पिक्चर ज्यादा देखता है क्या तू? अरे नहीं देखने का बात नहीं, वो हकीकत है बाप ना, रे बाप। अच्छा उससे ये आगे। बताओ, इतना तो कंफर्म हो हाँ गया ना कि अल्लाह ने तुमको परफेक्ट नहीं बना के भेजा है, तुमको हाँ ठीक है, बीमारियां होती है, तुम्हारी नुन्नू कटवाई जाती है, तुम्हारे नाखून काटने पड़ते हैं, तो तुम परफेक्ट तो नहीं हो। भी हाँ काटते, बाल भी सही काटते, लगा ठीक है वो उसी तरह चीज वो भी किया। काटा। अरे लेकिन जो हाँ परफेक्ट चीज होती है उसको सही करने की जरूरत नहीं पड़ती मेरे भाई। हाँ तो उसमें देखो माँ के पेट में वो चीज उसका जरूरत था, वो साइंटिफिकली प्रूफ बाहर आया, उस क्या टाइम काटा, जरूरत उसका था, उसका क्या बेनिफिट है। जरूरत था? मतलब ये कह रहे हो कि अगर अल्लाह कटी हुई नुन्नी भेजता तो माँ के पेट में वो नहीं चलता था? माँ के पेट में होने के लिए नुन्नी जो है वो बिना कटी हुई होनी चाहिए, अल्लाह ये चाहता तो तुम्हारा कुछ भी करता, आर्गुमेंट? कोई अलग फंक्शन दे देता तो उसको ये किया क्यों है बोल वो। रहे हो कि माँ के पेट में हाँ जरूरी था, माँ के पेट में जरूरी था? कटी नहीं हुई ये नुन्नी तो देके क्यों नहीं भेजा अल्लाह ने?
अभी उसका तो कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, क्योंकि अल्लाह ही हाँ मालूम ये बात है, ये कुछ नहीं कह सकते क्योंकि अल्लाह ने, अगर तुम यहाँ पे आके कटवाते हो मतलब अल्लाह ने आपको परफेक्ट नहीं भेजा था, इसलिए आप इधर आके कटवा रहे हो, आपका अल्लाह परफेक्ट चीज नहीं लेकिन भेजा है। ये कटवाने से मुसलमान और नहीं कटवाने से मुसलमान नहीं हो, जरूरी नहीं, वो नहीं कोई जरूरी इस्लाम नहीं का है, मैं भी कल्याण नहीं नहीं कह रहा है, हूँ, मैं भी वो नहीं एक कह रहा हूँ, सुन्नत जरूर है। वो ठीक है, लेकिन आप क्यों कटवा रहे हो, आप अल्लाह की क्रिएशन के अगेंस्ट में क्यों जा रहे हो? वही बहुत सारे लोग नहीं कटवाते, हाथ में डंडा रखना मस्जिद में इमामों भी सुन्नत अरे है, लेकिन मोमिन नहीं हमारे अंदर कटवाता, कोई इतना भी नहीं बोल मत यार रखता। प्रीतिंकर, हर मोमिन कटवाता है प्रीतिंकर। हाँ जो जो गैर मोमिन से मोमिन बनता है उसको थोड़ा बहुत ऑप्शन मिल जाता है कि भाई ठीक है अगर नहीं कटवाना है तो मत कटवाओ, लेकिन उसमें भी वो पूरी कोशिश करते हैं कि इनकी भी जाके जो है कटवा दे, तो वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने अल्लाह की तकलीक को परफेक्ट नहीं माना, इस वजह से आपने ये अमल लेके आया नुन्नी कटवाने का, ठीक है। तो ये जो आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट था वो खत्म हो गया कि अल्लाह की क्रिएशन को चेंज नहीं करना चाहिए, इसके लिए आईब्रो जो है वो नहीं बनाना चाहिए। आप भी बहुत सारी चीज करते हो, नाखून काटते हो, बाल काटते हो, सब करते हो, तो आप भी अल्लाह की क्रिएशन को चेंज कर रहे हो। तो उसी तरीके से आईब्रो कोई कर रहा है तो वो उसकी मर्जी है, उसमें आपको उस पर लानत भेजने की ये सब जरूरत नहीं थी। साफ साफ मतलब ये है कि इस्लाम जो है वो औरतों को कुछ समझता ही नहीं है, उसकी नजर में फीमेल जो है कुछ है ही नहीं, हर नहीं, मौका ऐसा देता बात है नहीं अल्लाह के शायद रसूल भाई। ने उसको नीचा दिखाने के लिए, उस पर लानतान करने के लिए। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, हाँ अगर अगर तुम्हारा सामान टाइट नहीं होता है, ठीक है, आई एम रियली सॉरी गाइस, लेकिन इनसे पूछना है मेरे को कि ये क्या कहते हैं, ठीक है, तुम्हारा सामान टाइट नहीं होता है, ठीक है, तुमने शादी की, प्री थिंकर हाँ तुमने शादी की, तुम सुहागरात मनाने गए, तुम्हारा सामान टाइट नहीं हो रहा है, ठीक है, हाँ तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने तुमको वाइग्रा या कुछ भी ऐसा दिया, ठीक है, हाँ वो भी काम नहीं कर रहा है। हाँ अभी एक ऑप्शन बचा है कि तुम्हारी नुन्नू में वो एक डिवाइस आता है इम्प्लांट, वो लगाया जाए, ठीक है, नीचे उसका बॉल होता है, वो दबाओगे तो फिर वो आपका जो ये है प्राइवेट पार्ट है वो इरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हाँ बताओ कि ये लगवाओगे क्या नहीं लगवाओगे, अब अगर इस्लामिक आर्टिफिशियल? इस्लामिक तरीका से आप चलोगे तो चाहे तो 2 करोड़, 5 करोड़ 10 करोड़ लोग भी रहेंगे, किसी का भी ढीला नहीं होगा, सबका टाइट रहेगा। अगर नबी का सुन्नत और अल्लाह के रास्ता में चलोगे, हिलाना नहीं हाथ से, वो सब गुनाह है, नबी ने बताया। लेकिन आज के लड़का एक लोग हाथ से हिला के अरे रुक 12-13 साल थोड़ा में ढीला कर देते, इसलिए तो ऐसा होता है। रुक रे, आज ही मैंने एक वीडियो डाली है भाई, ये मौलाना मक्खी है ना, मक्के वाला मौलाना मक्खी, उसने क्या बोला, जिसका टाइट नहीं होता ना भाई, उसने शादी करने की लाइन से जितना हथियार यूज करेंगे उतना टाइट होएगा हथियार। नहीं, ये वो तो देखो, मौलाना वो मक्खी ने अगर इलाज बताया गुप्त रोग का, डीलर ज्यादा शादी का करने जिम्मेदार की। खुद होता है, उसका जिम्मेदार खुद होता है वो इंसान, वो खुद ही गलती करते, जो उसमें इस्लाम में आया, हदीस में आया, हर अच्छा जगह में अच्छा आया, वो अच्छा एक गुनाह मिनट है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा। एक्चुअली है ना फ्री थिंकर, तुझे अमदा नहीं बताया, अभी हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हैं, ठीक है, तुझे लगता है कि जो इंसान हिलाता है खाली उसी का टाइट नहीं होता है, ठीक है, हाँ प्रॉब्लम ये बिल्कुल, नहीं वही है, है। देयर बहुत सारी वजूहात होती है जिसकी वजह से एक आदमी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, ठीक है, डायबिटीज हो सकता है या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर साहब बोलिए जी, जी, ये फ्री थिंकर, ये नाम के इरेक्टाइल, डॉक्टर ने सच्ची मुच्छे के डॉक्टर है या फ्री थिंकर सच्ची मुच्छे के डॉक्टर है? हाँ बताओ। तो आप जो ये बोल रहे हैं ना भाई, इरेक्टाइल, उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। इरेक्टाइल इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बहुत सारी डिस्फंक्शन, चीजों से हो सकता है, अनकंट्रोल डायबिटीज, बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकल हो सकता है कि साइकोलॉजिकली टेंशन हो गया, इसकी वजह से हो गया, इसको फैमिली हिस्ट्री हो सकती है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया, तो उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। उसका मेनली मेन रीजन ही साइकोलॉजिकल, कोई नहीं, टेंशन आ डायबिटीज गया वगैरह वो उसको। सब तो बहुत सारे एज वगैरह होने के बाद होता है, और ऐसा कुछ उस टाइम बीमारी हुआ कौन उसका, बोला भाई इस्लामिक डायबिटीज, तरीका से बच्चों को बहुत सारे डायबिटीज होता है, ये दवाई कौन है। बोला तुम? और डायबिटीज वगैरह वो भी आजकल हो रहा है, पहले की वो सब तो था ही नहीं।
तो फ्री थिंकर, फ्री थिंकर से लोग बाहर जा रहा है इसलिए हो रहा है सुन, अरे मेरे भाई कौन है भाई फ्री थिंकर, सुन मेरी बात सुनो फ्री थिंकर, यानी अगर समझो कोई भी वजह से एक इंसान को ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि उसके पास लास्ट ऑप्शन है इम्प्लांट बिठाने का, ठीक है तेरे पास, तो अब वो इस्लाम के हिसाब से इम्प्लांट बिठा सकता है कि नहीं बिठा सकता आर्टिफिशियल? देखो सहल भाई, जो बीमारी के हिसाब से कोई भी चीज कर सकते हो आप, लेकिन बेवजह फालतू का जो शैतान के काम है कोई भी चेंजेज नहीं कर सकते हो। तो बीमारी के हिसाब से तू जो है अपनी मर्जी चलाएगा, मतलब ये ढोगलापन नहीं है कि बीमार तो उसका इलाज है ये, वो जो ये, लेकिन बीमारी में मतलब पेशाब मतलब, करने को अलाउ किया उस टाइम प्रॉफिट ने, वो बीमार लोग मतलब थे? मतलब बीमार बीमार रहोगे तो आप जो है अल्लाह की क्रिएशन को चेंज कर सकते हो, है ना? क्रिएशन को चेंज तो करना नहीं हो रहा है, उसका इलाज हो रहा है ना भाई। क्रिएशन चेंज हो रही ना, वो जो इम्प्लांट है वो तो कोई अल्लाह की क्रिएशन नहीं थी, वो अंदर डाल दिए। अरे फ्री थिंकर, अल्लाह की मर्जी से खड़ा होना बंद हो गया रहेगा ना? नहीं भाई, उसका तो देखो वो जो उस चीज में होता है प्रॉब्लम, वो मैक्सिमम सभी वही होता है, अपनी गलती से होता है उसका, तो हमने बहुत सारे न्यूज भी देखा। फ्री थिंकर, फ्री थिंकर सुनो, ये तुम्हारा जो रिलीजन है ना, ये एक नंबर का इलॉजिकल रिलीजन है। प्रॉब्लम ये है, और तुम उस इलॉजिकल चीजों को इधर लॉजिकल साबित करने की कोशिश जब करते हो ना, तो तुम और बहुत बड़े इलॉजिकल इंसान लगते हो। हाँ साहिल भाई, आप जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उसमें बात ऐसे है कि देखो बहुत सारे चीज चेंजेज हुआ है, जैसे कि फोटो हम तस्वीर नहीं खींच सकते थे, लेकिन आजकल मोबाइल से तो हर कोई तस्वीर ले रहा है। संविधान को कुछ तो बोलो ना, रसूलुल्लाह ने गलत किया हम उसको सुधार रहे, इतना तो बोल दे, रसूलुल्लाह ने गलत कहा हम उसको सुधारेंगे। 1400 साल पहले जो आईब्रो लगाते थे वो किस चीज से लगाते, उस टाइम कैसे दिखा जाता था? आज का जो लगाने की बात नहीं है, लगाने की बात नहीं हो रही आईब्रो, हल्के फुल्के मैं खुद उसका फतवा देता हूँ, जो थोड़े बुढ़े लड़की लगाते है छोटे मोटे ये सब देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आते, वो लगा सकते है कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये आईब्रो लगाने की बात नहीं हो रही है, आईब्रो में से बाल निकालने की बात हो रही है। Allah has cursed those women who practice tattooing and those women who have themselves tattooed and those women who get their hair removed from their eyebrows and faces and those who make artificial spaces between their teeth for beauty whereby they change Allah's creation. ये बात है कि भाई ये अल्लाह की क्रिएशन चेंज हो रही है। भाई आईब्रो कोई बना दे तो कौन सी अल्लाह की क्रिएशन चेंज हो गई? ये क्या यूजलेस है एकदम। उसमें आईब्रो नहीं, उस टाइम ऐसा बहुत सारे चीज हुआ करता था, तो सबको मद्देनजर रखते हुए प्रॉफिट ने वो चीज बताया कि ऐसा करना नहीं चाहिए। इतना ही आर्गुमेंट है ना, कोई सहाबी ने बताया था उनकी एक वाइफ की सहेली को, और उसी ने वो चीज पूरे रात कुरान पढ़ ली, उसको मिली नहीं, फिर आके पूछा मैं पूरा कुरान पढ़ ली मुझे क्यों नहीं मिला, प्रॉफिट ने बताया तुम कुरान की 79 और 7 आयत वो पढ़ो, और फिर सूरह अल निसा की आया जैसे कि उसमें 18 और 19 पढ़ो, क्योंकि ऐसा बहुत सारे चीजें जो रसूलुल्लाह की बात उसमें भी हमको पूरा अमल करना है। ठीक है, कुरान में डायरेक्टली नहीं तो प्रॉफिट ने बताया, ऐसा वो चीज बताया गया, तो मैं तो ऐसा कोई हदीस मुझे नहीं मिला प्रॉफिट ने डायरेक्ट बताया, वो कोई सहाबी उसके बाद जाके ऐसा चीज निकाला। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया फ्री थिंकर साहब, आप आए और आपने अपनी बात रखी। और दो एक बात और बताऊं मैं, क्या बताना बोलने देंगे मुझे सिर्फ एक मिनट, चाहे मेरा वो सही हो या गलत हो, मैं थोड़ा वो आपका डिबेट सुन रहा था जो मतलब प्रॉफिट वो मतलब नंगा उनका जो पेशाब पी गया था, लेकिन वो चीज देखो एक बार गलती से मिस्टेक से किसी एक जैसे स्लेब गर्ल मतलब प्रॉफिट की वाइफ उम्मे सलमा की स्लेब गर्ल उसी ने गलती से पी लिया था, वो लाइफ में एक बार ही हुआ था। ठीक है, दोबारा कभी अच्छा, मुझे, नहीं हुआ। मुझे मुझे एक बात बता, मुझे एक बात बता। अगर उसने गलती से पिया भी था, ठीक है, तो रसूलुल्लाह का काम क्या कहना चाहिए था कि ये पेशाब तूने जो पिया ये नापाक है, ये हराम है, ये कहना चाहिए था?
अरे अल्लाह की नबी है, और उन्होंने उस स्लेव गर्ल को यही बताया कि उसके पेट में कभी दर्द नहीं होगी और वो तो जन्नत ही वही बोल रहा होगी, हूँ ना वही बताया ना। नापाक। अरे मेरे भाई वही कह रहा हूँ ना, रसूलुल्लाह ने वो मौका देख के चौका मारा ना। रसूलुल्लाह को ये कहना चाहिए था, रसूलुल्लाह को कि ये जो पेशाब ये तूने जो पिया वो मेरा पेशाब है, ये एक नापाक चीज है, ये कहना चाहिए था कि नहीं कहना चाहिए था। और दूसरा अभी पेशाब, नो पेशाब और पानी में फर्क है कि नहीं है? तेरे को अगर आंख बंद करके पेशाब का गिलास देंगे तो तू उसको पानी समझ के पी जाएगा क्या? लेकिन वो लड़की तो समझ के पी गई ना, उसको तो समझ में नहीं अरे आया। मैं, अरे मेरे भाई मैं तेरे को पूछ रहा हूं, तेरी आंख बंद करके तेरे हाथ में पेशाब का गिलास पकड़ाएंगे तो तू पी जाएगा क्या वो पूरा? हाँ हमको तो उसका बदबू आएगा, समझ में आ जाएगा। आ जाएगा ना, अक्कल है ना तेरे हाँ अंदर भाई? हाँ हाँ तो वहां पे वो उसने उसको गटक से पी ली तो पूरा। इसलिए तो हम वो अल्लाह के रसूल को इतना रेस्पेक्ट करते हैं अपनी जान से ज्यादा, क्योंकि वो अल्लाह के रसूल है, क्यों? क्योंकि क्योंकि उनके उनका पास पेशाब फरिश्ता मुबारक कहते, उनका हर चीज पाक था, ठीक है, वो अल्लाह के रसूल है भाई। है। तो तू भी पीता था, तो तो तू भी पिएगा ना बाप फिर? रे बाप, लेकिन फ्री थिंकर बस प्रॉफिट बस फाइल भाई, अपनी इसको जिंदगी थोड़ा सा ही ले में सकते, बस ज्यादा उन्होंने नहीं। किसी को नहीं बताया, और ये वाकया दोबारा नहीं हुआ, सिर्फ एक बार तो गलती से भाई हुआ। तो सुन ना, देख देख, रसूलुल्लाह के पेशाब पीने के बाद उसकी फजीलत बताई है रसूलुल्लाह ने, ठीक है, कि तेरे और जहन्नम के दरमियान ये आड़ आ जाएगी, या तेरे पेट में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, जो कुछ भी फजीलत बताई है। तो रसूलुल्लाह के पेशाब में फजीलत है, ठीक है? मुझे ये बता डेफिनेटली वो, है, हाँ डेफिनेटली है बोल रहा है बंदा, रसूलुल्लाह के पेशाब में फजीलत है, एक्सेप्टेड एक्सेप्टेड डेफिनेटली। अच्छा ये बता, तू ये फजीलत फजीलत लेने के लिए तू रसूलुल्लाह का पेशाब पिएगा या नहीं पिएगा? एक्सेप्टेड। अभी देखो रसूल अल्लाह कहा 1400 साल पहले की बात है, अभी आज की दौर हो गया यार। उस टाइम गलती से भी और किसी ने भी नहीं पिया, ठीक अरे है, सिर्फ गलती उन्हीं से लड़की। कि, अरे सुन ना मेरे भाई, ये देख, एक हाँ चीज तूने ये कहा कि रसूलुल्लाह का पेशाब पाक है, ठीक है, हाँ दूसरा मैंने तुझे ये बताया उसी हदीस से कि उसमें फजीलत भी है, ठीक हाँ है ना? मैं ये बोल रहा बिल्कुल हूं कि ये एक तो पाक और दूसरा फजीलत, ये दोनों हाँ। पाने के लिए तू रसूलुल्लाह का पेशाब पिएगा या नहीं पिएगा? अगर रसूल अल्लाह ने बताया होता मैं 100 दफा पी लेता, अगर आए उन्होंने वो हाय चीज, हाय 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 अरे हाय बाप, किसी माशाल्लाह के लिए भाई, भी नहीं बताया, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। आए हाय हाय हाय। तो शाहिद गाइस, फिर फ्री थिंकर के लिए ना सब ये फूल फूल भेजो, फूल भेजो, गुलाब भेजो, फेंको सब, कि ये रसूलुल्लाह का पेशाब भेजो 100 बार पीता, 100 बार पीता, अगर शाहिद रसूलुल्लाह इसको बोलते। भाई, चीयर्स भेजो आप भाई, गलत चीयर्स बोल भेजो, रहे हैं, चीयर्स आप चीयर्स गलत भेजो बोल रहे भाई, हैं, पेशाब प्रीति मत थिंक बोलो बोलो साहिल हाँ, भाई, पेशाब मुबारक, पेशाब पेशाब मुबारक, मुबारक, सॉरी पेशाब मैं माफी मुबारक मांगता हूँ, मैं मेरे से भाई। गलतियों की चीयर्स वाले पेशाब ग्लास मत। भेजो, चीयर्स वाले हाँ शैंपेन के चीयर्स ग्लास वाले भेजो ग्लास भाई, भेजो, चीयर्स वाले ग्लास माशाल्लाह भेजो सब। माशाल्लाह प्रीति थिंकर भाई, हेलो हेलो माशाल्लाह। साहिल भाई, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बोलो ना हाँ डॉक्टर सच साहब वाला आप। टू साहब बोलिए। भाई आपको ना मैं एक आर्गुमेंट देता अगली बार हाँ बोलने के लिए। प्री हाँ थिंकर साहब, अगली बार लोगों क्या बोलो, रसूल को डायबिटीज था, तो डायबिटीज में क्या होता मीठा है, मीठा हो तो जाता उसका पेशाब का स्मेल भी है। स्वीट हो जाता, टेस्ट भी मीठा हो जाता, नहीं वो तो जैसे आप एक मतलब इसलिए उधर उसने के क्या इधर उधर के जो करा, बात स्मेल भी करते हो, उसको कुछ अच्छा आया, मतलब जानकारी मीठा नहीं, भी कुछ लगा, नॉलेज इसलिए जूस नहीं, समझ के पी वही लिया। होता है। अगर रसूल अल्लाह अच्छा का वो चीज आर्गुमेंट है उस ना टाइम भाई, इतना अगले सही शो पे रहता काम तो आएगा उन्होंने बहुत सारे तुमको। लोगों को पिला था। अपनी लाइफ में एक बार हुआ, वो भी गलती से हुआ, उसी अरे फिर बच्ची को उस बोला कोई अच्छा बुराई नहीं अच्छा है, ठीक है, लेकिन वो चीज को हाँ भी किसी के लिए तो अलाउ नहीं किया ना, लेकिन वो अब अल्लाह के मलम मत रसूल है लगा, भाई। फ्री मैंने भी नहीं फ्री किया। हाँ थिंकर, फ्री अरे थिंकर फिर वो मलम भिखारी मत। को अगर खाम में नहीं मालूम हो नहीं गया साहिल क्या, भाई, जिसको तो मुझे बोलेस ना सुनने वही को बोल के तो बहुत मालूम सारा हो गया चीज मिल मैम। रहा है। और एक चीज अभी थोड़ी देर पहले मैं सुना कि रसूल अल्लाह की कोई नंगा नहा रहे थे या नंगा किसी को जियाद को मिला, कितना बेहुदा बात है यार। ये उधर अरब मेरे की रे सुन हाँ सुन 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 सुन, ये जो नंगी वाली बात है ये मेरे स्ट्रीम में नहीं हुई है और मेरे को पता भी नहीं है, ये एडम ने बोला एडम। था, हाँ तो अरे भाई, तो एडम ने बोला है तो एडम की स्ट्रीम में जाके चेक करो ना कि क्या दलीलें दी है। अब जो चीज लिखा हुआ है उसको बोलने में तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम हो जाता है?
यही बोला था आपके यहाँ कुछ देर पहले। नहीं, वो डालेगा, वो प्रीमियर चलाएगा, उसने ये बोला था। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अगर वैसा लिखा हुआ है, अगर वैसा लिखा हुआ है तो आप लोग बोलने वाले पे आप लोग क्यों भड़क जाते हो? अच्छा एक काम करो, आप लोग मुझे एडम से कैसा भी एक घंटा का डिबेट कराओ और मैं नास्तिक बनूंगा अगर। अच्छा चलो एडम।